हेलो गाइज एंड वेरी वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज दैट प्रूव दैट वन इज इक्वल टू टू। सो गाइज, दिस क्वेश्चन इज ए टाइप ऑफ वेरी इम्पॉसिबल क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्वियसली जो ये क्वेश्चन है वन इज इक्वल टू टू, इट इज़ नेवर बी पॉसिबल। बट यदि हम कुछ मैथामेटिकल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो हम इस इम्पॉसिबल क्वेश्चन को भी पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यदि हम किसी चीज़ को लगन से करते हैं तो वो इम्पॉसिबल नहीं होता है। सो इस क्वेश्चन को हम प्रूव करने चल रहे हैं। सो पहले यदि हम इस क्वेश्चन को प्रूव करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें मानना पड़ता है। तो हम इसमें क्या मान लेते हैं कि लेट A इज इक्वल टू B। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि A जो है वो B के बराबर है। तो यदि A जो है B के बराबर है तो हम यहाँ से अब इसमें कुछ मैथमेटिकल्स कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ से क्या आता है हमारे पास कि हम यहाँ से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय ए बोथ साइड। सो मल्टीप्लाई बाय ए बोथ साइड, यदि हम इन दोनों साइड यानी कि इस साइड राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड यदि हम ए से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए इंटू में ए इक्वल टू ए इंटू में बी। सो ये जो हमारे पास आया इसको हम एज वी कैन रिटन एज ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी। सो नाउ हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो ये ए स्क्वायर है और ए इंटू बी जो है इसमें जो है हम माइनस बी स्क्वायर को जब यूज़ कर देंगे यानी कि जब माइनस बी स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस बी स्क्वायर। सो ये एक फॉर्मूला बना रहा है ए माइनस बी का होल इंटू ए प्लस बी। सो ये फॉर्मूला बना रहा है तो हमारे हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिख देते हैं, ऐड माइनस बी स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस बी स्क्वायर बोथ साइड। सो गाइस, जब हम माइनस बी स्क्वायर को दोनों साइड ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस का बी स्क्वायर। सो गाइज, अब यहाँ से हम ये फॉर्मूला जो इधर हमने अभी बताया उसे यहाँ पर लिख लेते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ से हम बी स्क्वायर बी को कॉमन ले लेंगे। जब b को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी। सो गाइज, ये वाला जब इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो जब ये डिवाइड में होगा तो ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। सो जब ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी इक्वल टू बी। सो हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू बी। सो इधर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, a इक्वल टू बी जो हमने क्वेश्चन के पहले हमने माना था, क्या था माना, जो हमने माना था वो क्या था कि a इज इक्वल टू b। सो जो a इज इक्वल टू b है अब उसको हमें यहाँ पर यूज़ करना है। सो कैसे यूज़ करेंगे, a प्लस a इक्वल टू ए। सो यहाँ पर लिख दीजिए आप कि
की सिंस बी इज इक्वल टू ए सो गाइज अब यहां पर क्या लिखेंगे हम कि 2a इज इक्वल टू ए सो हेयर वी कैन राइट इट एज सून एज ए इज इक्वल टू आई मीन 2 इक्वल टू ए बाई ए सो ए एंड ए कैंसिल आउट हो जाएगा सो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 सो हैंस प्रूव सो गाइस इस तरीके से हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है और आप लोग इसे 2 से 3 बार ज़रूर से ट्राई करिएगा सो आज के लिए बस इतना है पढ़ाई करते रहिए और टेक केयर टाटा बाय बाय हैव अ वेरी वेरी गुड डे